तो देखिए वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि भाई इस बार सीयूटी की जो कट ऑफ होने वाली है वो इतनी कम नहीं होने वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये कट ऑफ हाई क्यों जाएंगी, तो इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न है, और बेसिक रीज़न क्या है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि भाई डेलिम सिटी के जो पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ करते थे उनकी कट ऑफ आपने देखा होगा यार 100% कट ऑफ आती थी, 100% है, 99.9% आ गई, 99.75% आ गई डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की, तो इतनी हाई कट ऑफ क्यों होती थी? तो देखिए उसके पीछे दो या तीन बेसिक रीज़न हुआ करते थे हाई कट ऑफ्स के। तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें लिख के बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि हाई कट ऑफ्स किस वजह से होती है, सबसे पहला रीज़न क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पहले भी ज़्यादा थे और इस बार जो है वो और भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता था, वो होता था आप लोगों का ओवरऑल स्कोर, राइट। तो मैं आई होप आपको मार्कर दिख रहा होगा ओवरऑल स्कोर। तो देखिए ये जो दो फैक्ट्स हैं इनसे क्या होता है भाई, मान लीजिए अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं या फिर ओवरऑल स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो डेफिनेटली जो कट ऑफ्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाएंगी ही जाएंगी। वो किस तरह से जाएंगी, अब देखिए आपने सुना होगा कि यार लेडी श्याम कॉलेज की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की शायद 100% कट ऑफ थी, राइट। एक दो कॉलेज की और कोर्सेज की भी 100% कट ऑफ थी। तो मान लीजिए उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 38 सीट्स हैं, फिर 40 सीट्स हैं, और जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है दिल्ली सिटी के कॉलेज के अंदर उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बेस्ट ऑफ फोर के अंदर 100% कट ऑफ, मतलब 100% वो लोग स्कोर कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट है तो भाई उनकी जो कट ऑफ होगी डेफिनेटली वो भी ज्यादा ही जाएगी, यानी कि ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं एंड ओवरऑल स्कोर कितना लोगों ने स्कोर किया है। अब ये तो हो गई देखो मेरिट बेस्ड की बात, अब हम बात करते हैं इसके बाद भाई इस बार सीयूटी होने वाला है, मतलब हो ही रहे हैं, तो सीयूटी के बेसिस पर किस तरह से आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। तो मार्कर नहीं चल रहा है, ऐसे आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए इस बार आपकी कट ऑफ इस वजह से आई जा सकती है क्योंकि देखिए जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की है फिलहाल भाई उसमें से 90% स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि एग्जाम जो हमारा हुआ है अब तक वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, मतलब मॉडरेट भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। मतलब मॉडरेट भी नहीं था, मॉडरेट से भी थोड़ा सा ईजी ही एग्जाम था जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उन लोगों ने एक ही चीज़ बोली है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था, मॉडरेट एग्जाम नहीं था, मॉडरेट से भी थोड़ा सा ईजी ही एग्जाम इस बार आया था। तो अगर सभी स्टूडेंट्स इस तरह की बात बोल रहे हैं कि भाई इस तरह का एग्जाम आया था तो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स अच्छा ही स्कोर करेंगे, और अगर स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं तो ओवरऑल स्कोर जो है वो भी इस बार फिर से ऊपर चला जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो तो डेफिनेटली पहले से ही काफी ज्यादा है, आपको पता ही होगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार भी जो कट ऑफ आने वाली है आपके सीयूटी के बेसिस पर वो भी काफ़ी ज़्यादा ही जाएंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि किस कॉलेज के अंदर इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए मुझे कितना स्कोर चाहिए होगा, तो भाई इस तरह का एस्टीमेट कोई भी नहीं लगा सकता है कि मतलब आपको कितने नंबर चाहिए होंगे क्योंकि सीयूटी फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो भाई जिस तरह से पहले लास्ट ईयर कट ऑफ आया करती थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम बोल सकते हैं यार उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, 100% आ गई, 99% आ गई, इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन हाँ शायद 90% तक टॉप कॉलेज के अंदर अभी भी शायद जाने के चांसेस होंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे बेस्ट ऑफ फोर वहाँ पर पहले कैलकुलेट होता था, अभी भी बेस्ट ऑफ फोर के आपके स्कोर्स होंगे सीयूटी के बेसिस पर, या फिर अगर आप बीएससी करें तो बेस्ट ऑफ थ्री के हो जाएंगे, तो उन्हीं के बेसिस पर अगर आप परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करेंगे तो आपकी डेफिनेटली इतनी ही परसेंटेज जाने वाली है भाई, 90 होगी या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेकिन पहले 99 थी, तो डिफरेंस तो आएगा लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूँ परसेंटाइल की, तो आई होप आपको पता होगा परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि भाई जिस भी स्टूडेंट ने टॉप किया है उसके रेफरेंस में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो परसेंटाइल होती है। तो परसेंटाइल भी जो है आपको काफ़ी बढ़िया स्कोर करनी पड़ेगी टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए। और बाकी जितने भी सीयूटी के अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे मैं इसी चैनल पर बताता रहूंगा, बट आई होप आज का आपको जो कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का या फिर आपके ओवरऑल स्कोर्स का वो आपको समझ आ गया होगा कि भाई किस तरह से कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। इसी साथ साथ देखिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर मैंने एक पोस्ट डाली हुई है कि भाई अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वहां पर 12 या 13 हज़ार शायद, तो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं जो थर्ड ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपकी सारी की सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट करने वाले हैं। हो सकता है मेरे अकेले के बस की बात ना हो इतने सारे रिप्लाई करना, तो DU के जो स्टूडेंट्स हैं वही आपकी हेल्प करेंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे वही आपकी हेल्प करेंगे, तो काफ़ी बढ़िया कम्युनिटी आपको मिलने वाली है इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, उस कमेंट के उस पोस्ट के अंदर अपना कमेंट डाल सकते हैं कि आपको क्या जानना है। और देखिए वहाँ पर ये मत पूछना कि भाई मुझे कितना स्कोर चाहिए होगा, क्योंकि ये आइडिया लगा पाना किसी के बस की बात नहीं है, राइट। तो अब ये मत पूछना कि मुझे कितना स्कोर चाहिए होगा, आप बस ये पूछ सकते हो कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में, आप किस कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो वैसा वो कॉलेज कैसा है, आप उस कॉलेज के बारे में पूछ सकते हो, या फिर आप कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हो, प्लेसमेंट्स के बारे में पूछ, मतलब DU से रिलेटेड जितनी चीज़ें आप सारी की सारी पूछ सकते हो, राइट।
तो व्हाट्सएप जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए।